अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। वाय दो क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं, वो समंदर के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूं दो क्रिमिनल भाग निकले। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे? बोट निकालो। वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यू आर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या बकवास कर रहे हो? जरा सी भी अक्कल नहीं है तुझे? कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लगता है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जाने नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चार्ज के जाओ। राजेश ओके सर, मस्ती में जाकर सहायक एक एक आदमी पैनल किसी को छोड़ना मत। ये सर को भी अलर्ट कर दो। गोली बना चलो। ओके सर। माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। जांच कराओ, इनको लेकर आओ। बोल बोल के नहीं सर। मुंबई का सबर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर वही है सहायक की वाइफ। हाँ बे, आ तू मुझे पकड़ेगा? हाँ मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ सबको जला डालूंगी मैं। सर तुम सहायक के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप चढ़ा दिया। ठीक है तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर आपको बात करने में भाग गया था ना। आपने पकड़ लिया ना सर। रिलैक्स कीजिए सर। कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहायक के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं सर। सर ऐसे डैनी, आर यू सेफ? आई एम सेफ जगत राज, बट नॉट ओके। I'm sorry. Sorry's not enough. Nobody has even had the guts to touch me. But he slapped me. Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Until then, I can't sleep. I will do. ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तू उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। जाने हो तुम लोग, क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खेल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक, इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भक भक करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई तूने सीमा लांग दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को चलाकर तू उसे भगा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े हो जाऊं, फट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला जबला छू मैं। तंबू कहीं भी हो उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा।
वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है, इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। चार लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, एन ऑपरेशन बियॉन्ड रेगुलर रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। Rule 1, Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2, Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3, the mode of operation will not be disclosed and known only to the commandant. Rule 4, Rule 10, the commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ सर। एक और रिक्वेस्ट थी, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ, अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी, वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। यस मिस्टर डी। हे सूर्य सिंघम डैड, Wait, I will do. Okay, I will be at the Indian border tomorrow morning. Send Sagaim to pick up the stuff. Sir, Jagatraj bhai ko phone kar raha hai. Record. Jagatraj ne kitni der pehle phone kiya tha? 6 minute hue sir. Tumse kuch baat karni hai. Kahan aana hai? 401. 1 ghante mein pahunchta hu. 401. सर किलोमीटर तो नहीं? नहीं, एक घंटे में पहुंचने की बात हुई है, 401 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे? बोट, लॉन्च, फेरी, शिप, इनमें से किसी का नंबर ये चेक करो। यस सर। यस सर। सर होटल का रूम नंबर भी हो सकता है ना? 612 201 401 ये पिन कोड भी हो सकता है। यस सर। सर धानुका है सर। यस, कोस्टल एरिया है, माल उतारने के चांसेस है। हाँ बोलो श्रवण। जगतराज आ गया है सर। ठीक है, सेफ रहना। डैनी ने फोन किया था, वो माल लेकर आ रहा है। तो माल उतरवा लेते हैं ना? पता है, एक पागल कुत्ते की तरह सिंघम हमारे आगे पीछे घूम रहा है, इसलिए इस बार माल के लिए मैं डैनी को ना बोलने वाला हूँ। डर लग रहा है जगतराज, धंधे को छोड़ने का कोई आइडिया है क्या? हाँ दोनों मिलकर चलते हैं, भगवान की कसम खाते हैं और धंधा छोड़ देते हैं। अगर हमें ना बोलना है तो पहले हमें इस धंधे को छोड़ना होगा। उस अकेले से डर कर, इस धंधे को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। भाई जरा समझो, सहाय अभी यहाँ नहीं है, उसके साथ के 6 लोगों को उसने मार डाला है। मैंने उस सहाय के दम पर यह धंधा नहीं किया था, अपने दम पर किया था। दोनों बात कर रहे हैं सर, कहीं कोई और मूवमेंट हो रही है, देखो जरा। अब क्या हुआ? देखो भाई, सहाय अभी अंडरग्राउंड है, डैनी जाने का तो इंसल्ट होगी, इसलिए सहाय को समंदर के रास्ते बुलाकर माल उतरवा कर भिजवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद रात को बताता हूं। वो दोनों इतनी सीरियसली मीटिंग करके गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है सर। भाई का घर, फैक्ट्री, गेस्ट हाउस, गोदाम, लॉरी शेड, इन सब जगहों पर अच्छी तरह नजर रखना। मैं कैंप ऑफिस में रहूंगा, टच में रहना। ओके ओके सर।
सर भाई घर से बाहर निकला। ओके सर, भाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। 955 की चेन्नई की फ्लाइट है ना सर? सर सहाय का मोबाइल आउट ऑफ रीच है सर। कहीं वो चेन्नई तो नहीं चला गया? हाँ बोलो सूर्य सिंह। सर एक हेल्प चाहिए थी। हाँ आई विल डू दैट। ऐसा कोई आदमी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, कहीं वो कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहा है? जरा चेक कर सकते हैं? हाँ वो यहीं पर वेट कर रहा है, कह रहा 20 की बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ने वाला है। अगले एक घंटे में भाई बड़ौदा पहुंच जाएगा, हमें वहाँ पहुंचने में 5 घंटे। सर मेरा एक दोस्त बड़ौदा में ऐसा ही है सर। बंदा भरोसेमंद है? हाँ सर, अभी बोलेंगे तो तुरंत वहाँ। जल्दी से भाई की डिटेल्स भेजकर उसे एयरपोर्ट भेजो। ओके सर। सर उसको फॉलो करो और मुझसे लोकेशन शेयर करो। ओके सर। कहाँ पहुंचे? बड़ौदा के पास जंगल में हूँ सर। आओ भाई, स्वागत छे, स्वागत छे। वो एरिया किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है? हलोल पुलिस स्टेशन में आता है सर। भाई मैं तो इस शहर में केरल से 1.5 टन चंदर की तस्करी करवाया हूँ। ये तो कुछ नहीं, बस 70 किलो ब्राउन शुगर है। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भेसो भेसो। We will help you, sir. Thank you. Welcome, sir. सर सहाय का मोबाइल गुजरात नेटवर्क बता अच्छा रहा है। प्लान कामयाब हो रहा है। बोलो सहाय। माल सूरज के आदमी को दे दिया भाई। सर प्लीज वेट, दीपक फॉलो मी। सर वो अभी भी अंदर ही है। टेक पोजीशन। भैया पुलिस आ रही है। भाई सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत जा पहुंचो।
इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुरेश तब ना भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते।